ऑफ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट सोशल स्टडी क्लास टू लेसन नंबर वन पेज नंबर 4 to 11 जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है आपका चैप्टर नेम। चैप्टर नेम क्या है हमारे पास? प्रिवेंस ऑफ पाकिस्तान। प्रिवेंस कहते हैं सूबों को, और पाकिस्तान पाकिस्तान के सूबे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान के सूबों के बारे में। आप सबको इन्फॉर्मेशन है, अच्छा आप सब ये बताएं कि आप हम किस सूबे में रहते हैं। आपको पता है कि हम जो है हम सूबा पंजाब में रहते हैं। तो अब हम बाकी सूबों के बारे में डिटेल और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जी, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पेज है हमारा, उसकी रीडिंग क्या है? और साथ में ना, आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपको पता है कि हम सबको अपने मुल्क से बहुत प्यार है, और हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये खूबसूरत मुल्क है। आपको पता है कि हमारा बहुत मुल्क है जिसमें हर तरह का मौसम और हर तरह का फल और सब्जी जो है वो पाई जाती है। आपको पता है हमारे मुल्क में जो है वो सहरा भी है, पहाड़ भी हैं, दरिया भी है, मैदान भी हैं, हर तरह का इलाका जो है वो पाया जाता है, और हर तरह के लोग भी। पाकिस्तान वाज मेड इन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है हमारी? आज द स्टूडेंट टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी फ्लैग इन देयर स्क्रैप बुक। इसमें बच्चे क्या करेंगे कि अपने स्क्रैप बुक पे पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर लगाएंगे, जैसे कि ऊपर आप देख भी रहे हैं पाकिस्तान का झंडा। और ये वो झंडा जिसकी हमें बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करनी चाहिए, क्योंकि वही कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं जो अपनी अपने झंडे से प्यार करती हैं और उसकी हिफाजत करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी टू है, आज स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल देयर सेलिब्रेट 14th अगस्त। सेलिब्रेट कहते हैं मनाने को, 14 अगस्त 14 अगस्त को। आस्क देम टू हाउ दे सेलिब्रेट दिस डे, और उनसे ये पूछें कि वो अपना ये दिन कैसे मनाते हैं। तो ये आपको पता है कि हमारे लिए एक बहुत ही खुशी और फख्र का दिन है, जब हमने जो है वो अपनी आज़ादी का दिन हासिल कर लिया और एक ऐसा मुल्क बनाया जहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी आप देख लें, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो कि अभी भी गुलामी में, और उनकी क्या हालत है, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अभी हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल मौजूद है वो कश्मीर की है। देखिए, कश्मीर अभी भी हिंदुस्तान के कब्जे में है, और वहाँ पर कितना जुल्म और सितम हो रहा है, उन लोगों के लिए ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया गया है। और ये हमारे बड़ों की बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में आज हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहरी के तौर पर सांस ले रहे हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए ये दिन हमें बहुत ही खुशी और जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए। जी, तो हमारा जो पेज है वो, उसमें हम इंफॉर्मेशन अबाउट द पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को, अबाउट के बारे में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में मालूमात। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे नेशनल पोइट, नेशनल कहते हैं कौमी, पोइट कहते हैं शायर को। हमारे नेशनल पोइट कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आप सबको इनके बारे में पता है कि इन्होंने मुसलमानों के लिए बेहद जो है वो काम किया। सबसे पहले पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो इन्होंने देखा, और इन्होंने बताया कि मुसलमानों को एक ऐसी रियासत हासिल कर लेनी चाहिए जहाँ पर वो अपने मजहब और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इन्होंने बहुत सी नज़में भी लिखी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। इन्होंने नज़मों के ज़रिए से मुसलमानों को बेदार किया और उनको बताया कि वो कौन थे, वो हुक्मरान थे जो कि अब गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वापस उनको वही अपनी ज़िंदगी जो है हासिल करनी है। तो इनका हमारी आज़ादी में बहुत अहम किरदार है। अब हम अपना नेशनल फ्लावर देखते हैं। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? जैस्मिन, ठीक है, इसको हम नेशनल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेशनल ट्री, हमारा कौमी दरख्त क्या है? अगर हम इसको देखते हैं तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सीडर। क्या कहते हैं? सीडर। और उर्दू में इसका क्या मीनिंग है? डियोडर। उर्दू में हम इसको डियोडर कहते हैं और इंग्लिश में सीडर। नेशनल एनिमल्स हम देखते हैं तो हमारा नेशनल एनिमल्स क्या है? मारखोर। ये एक बहुत ही नायाब है जो सहराई इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बर्ड, हमारा कौमी परिंदा, तो वह कौन सा है? चकोर। तो जी, ये बच्चों आपने अच्छे से याद रखनी है, ताकि आपको हमेशा अगर ये चीज़ें याद नहीं, अगर आपसे कोई पूछे आपकी कौमी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनके नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक्टिविटी नंबर 3 देखें,
इसमें क्या करेंगे, आस्क द स्टूडेंट टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ द नेशनल पोइट, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड इन देयर स्क्रैप बुक। इसमें ये सारी पिक्स जो भी हम यहाँ देख रहे हैं वो आपने अपनी स्क्रैप बुक पे पेस्ट करनी है, जिसमें हमारे नेशनल पोइट की पिक हो, इलामा इकबाल की, हमारे नेशनल फ्लावर जैस्मीन, हमारे नेशनल ट्री सीडर, हमारे नेशनल एनिमल मारकोर और हमारे नेशनल बर्ड चकोर, इन सब की तस्वीरों को आपने पेस्ट करना है कहाँ पे, अपनी स्क्रैप बुक पे। जी तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है पेज पाकिस्तान हैज फोर प्रोविंसेस। आपको पता है कि पाकिस्तान चार सूबों पर मुश्तमिल एक मुल्क का नाम है। सबसे पहला जो हमारा सूबा है वो कौन सा है, सूबा पंजाब। अगर हम आबादी के लिहाज से देखते हैं तो सूबा पंजाब हमारे पास सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंध। सिंध आपको पता है कि हमारा एक अहम सूबा है, यहाँ पे जो है वो सिंधी लोग रहते हैं और वहाँ पे सिंधी जुबान ही बोली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सूबा बलोचिस्तान। सूबा बलोचिस्तान को अगर हम देखते हैं तो ये रकबे के हिसाब से हमारे पास सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पे पश्तो जुबान जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट है खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारा सबसे छोटा जो है वो सूबा है और यहाँ पे जो है पठान जो हमारे भाई हैं वो रहते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4 है, इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट टू पेस्ट द मैप ऑफ पाकिस्तान इन देयर स्क्रैप बुक, शो ऑल द प्रीवियंस। आपने एक ऐसा आपने मैप जो है उसको पेस्ट करना है जिसमें चारों सूबे जो है हमारे वो वाजह तौर पर नजर आ रहे हो। जैसे भी ऊपर आप देख रहे हैं पिक्चर में आपको एक मैप नजर आ रहा है, इसमें आपको खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध सारे जो हैं सूबे वो आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह आपने एक मैप जो है उसको अपने स्क्रैप बुक पे पेस्ट करना है और उसके बाद उन सूबों को वाजिया करना है, उनकी लोकेशन को कि ये सूबे कहाँ कहाँ वाकया हैं। जी तो अब हम नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसकी तरफ आते हैं, वो क्या है, पंजाब। पंजाब का मतलब क्या होता है, पांच दरियाओं की सरजमीन। पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ द फाइव रिवर। आपको पता है कि पांच दरिया जो है वो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहते हैं और वो सारे पंजाब से होकर गुजरते हैं, इसलिए इसको पांच दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। लैंड ऑफ फाइव रिवर, पांच दरियाओं की जमीन। द फाइव रिवर आर रावी। अब उन पांच दरियाओं के नाम क्या है, रावी, जेहलम, चनाब और सतलुज। ये वो पांच दरिया एंड इंडस, इंडस कहते हैं दरिया सिंध को। ये वो पांच दरिया जो हमारे मुल्क में बहते हैं। लाहौर इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब। तो लाहौर जो है वो इसका सबसे बड़ा शहर है, इसको इसका दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में हम क्या करेंगे, आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल द नेम ऑफ द फाइव रिवर दैट रन थ्रू पंजाब। अब हम क्या करेंगे, बच्चे खड़े होकर उन पांच दरियाओं के नाम बताएंगे जो कि पंजाब में से गुजरते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है, सिंध। सिंध इज द लैंड ऑफ द सैनी बीचेस एंड द गोल्डन डेजर्ट। अब सिंध जो है वो क्या है, एक ऐसी सरजमीन है जहां पे रेतली इलाके ज्यादा पाए जाते हैं, गोल्डन डेजर्ट जहाँ पे सुनहरी साहिल पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ बारिश की कमी की वजह से ज्यादातर खुश्क इलाके पाए जाते हैं और हर तरफ हम देखते हैं तो हमें रेत ही रेत नजर आती है। इट्स प्रोविंशियल कैपिटल कराची। इसका अगर हम कैपिटल देखते हैं तो वो क्या है, कराची है। द कायदे आजम इज रोड इन कराची। कायदे आजम को कहाँ दफन किया गया है, कराची में। एक्टिविटी नंबर 6 देखें, आस्क द स्टूडेंट टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ द टॉम्ब ऑफ कायदे आजम इन देयर स्क्रैप बुक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कायदे आजम के मिजार की एक तस्वीर लेनी है और उसको अपने स्क्रैप बुक पर पेस्ट करना है। आपको पता है आपने देखा होगा कराची में उनका मिजार है, तो उसकी आपने तस्वीर लेनी है और उसको स्क्रैप बुक पर पेस्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारा सूबा है वो है सूबा बलोचिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी एक हमारे रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का। इसका प्रोविंशियल कैपिटल जो है वो कोयटा है। अगर यही हम जब देखते हैं बलोचिस्तान, तो बलोचिस्तान में सबसे बड़ा कौन सा शहर है, कोयटा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में हम क्या करेंगे, आज अ स्टूडेंट टू पेस्ट अ पिक्चर ऑफ द कायदे आजम रेजिडेंसी इन देयर स्क्रैप बुक। रेजिडेंसी कहते हैं रिहाइशगाह को। आपको पता है कि कायदे आजम की जो है रिहाइशगाह, वो उसको उस इमारत को अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे से रखा गया है। इसकी पिक्चर अभी आप देख रहे हैं नीचे, आपको कायदे आजम रेजिडेंसी जो है वो बलोचिस्तान में वो आपको नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसकी तस्वीर लेनी है और उसको अपनी स्क्रैप बुक पर पेस्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमारा जो सुबह है वो कौन सा है,
खैबर पख्तूनख्वा, इसको पहले पुराना नाम जो है वो क्या है, सुबह सरहद, अब इसका नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा हैज अ टॉल माउंटेन्स दैट प्रोविंशियल कैपिटल इज पेशावर। अब ये जो सुबह हमारा ये भी बड़े बड़े पहाड़ों से गिरा हुआ है, और इसका जो अगर हम देखते हैं दारुल हुकूमत तो वो क्या है, पेशावर। पेशावर शहर जो है वो सुबह का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका दारुल हुकूमत कहा जाता है। आप यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है खैबर पास, इसको दरा खैबर भी कहा जाता है, और ये एक जो है वो यादगार इमारत के तौर पर भी, और एक इसको इसकी पहचान के तौर पर भी, सुबह की पहचान के तौर पर भी जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेकंड पिक्चर में, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में वाक़ है, पंजाब के शहर लाहौर में वाक़ है। और उसके बाद हम देखते हैं कायदे आज़म का मज़ार है जो कि सिंध में वाक़ है। उसके बाद कायदे आज़म रेजिडेंसी देखते हैं, जो मैंने भी आपको बताया है कि ये बलूचिस्तान में वाक़ है। यहाँ पर कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी के कुछ जो टाइम है वो यहाँ पर स्पेंड किया। लास्ट पर हम क्या देखते हैं, खैबर पास, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, जिसे हम दरा खैबर भी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है वो ग्लोसरी स्टार्ट हो रही है। ग्लोसरी मींस मुश्किल, फास के मीनिंग। सबसे पहले आप देखते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है, खूबसूरत, जो कि हमें देखने में अच्छा लग रहा हो। इसका आप देखते हैं हम क्या मीनिंग लिखा है, वेरी प्लेजिंग, बहुत ज्यादा खुश करने वाली चीज। लार्जेस्ट मीन ग्रैंड, बहुत बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोन्यूमेंट्स, एनी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी यादगार इमारत जिसको हमेशा किसी ना किसी पहचान या किसी ना किसी याद में की वजह से याद रखा जाए। लास्ट वर्ड है ब्रिड, इसका मतलब क्या होता है, दफन करना, टू पुट इन द ग्राउंड। अगर हम इसको देखते हैं तो जमीन के नीचे, जैसे हम मुसलमानों में क्या करते हैं, अगर कोई मर जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, दफन कर देते हैं, तो इसका भी वही मतलब है। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आंसर दिस क्वेश्चंस। अब देखिए, पहले हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। व्हेन वाज पाकिस्तान मेड, व्हेन कब वाज था पाकिस्तान मेड बना, पाकिस्तान कब बना था, तो आप सबको इसका आंसर जो है वो पता होगा, क्योंकि आप सब पाकिस्तानी हैं और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। पाकिस्तान वाज मेड ऑन 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबों के नाम बताने हैं। अभी हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो है वो चार सूबे हैं, आप कौन कौन से हैं ये आप बताएंगे, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान के सूबों के नाम हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, बलोचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान जो है वो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास क्या है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज टॉल माउंटेन्स, कौन सा ऐसा पाकिस्तान का सूबा है जहाँ पे हमें लंबे लंबे पहाड़ जो हैं, बड़े बड़े पहाड़ वो देखने को मिलते हैं, वो हमारा कौन सा सूबा है, आप सबको पता है, बच्चे सोचें जरा, वो हमारा कौन सा सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा एक ऐसा सूबा है जिसमें हमें बड़े बड़े पहाड़ जो है वो देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर, कौन सा सूबा है जिसको हम 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं, तो किसको कहते हैं, जरा सोचिए, अभी हमने रीडिंग में पढ़ा था, जी हाँ, हम पंजाब को कहते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन, पंजाब इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है उसमें हम क्या करेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले है आई लव, अब आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आई लव पाकिस्तान या ईरान, आप किससे प्यार करते हैं, पाकिस्तान से या ईरान से, जी तो आप प्यार करते हैं पाकिस्तान से। नेक्स्ट है लाहौर इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ, लाहौर किसका दार हुकूमत है, पंजाब का या बलोचिस्तान का, जी हाँ पंजाब का। नेक्स्ट है हमारे पास कायदे आजम स्टॉम इन इज इन, कायदे आजम का मज़ार कहाँ है, सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये हमारे पास सिंध।
पंजाब मीन द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स फाइव रिवर्स. पंजाब का क्या मतलब है? पांच दरियाओं की सरजमीन या सात दरियाओं की सरजमीन? जी हाँ, इसका मतलब है पांच दरियाओं की सरजमीन, फाइव रिवर्स. नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है उसका क्या नाम है? अभी हमने रीडिंग में भी पढ़ा है. जी हाँ, जैस्मीन पाकिस्तान का जो है वो नेशनल फ्लावर है. जी तो बच्चों, अब हम करेंगे लास्ट एक्टिविटी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे? मैच देम मीन इनको आपस में जो राइट स्टेटमेंट है उसको मिलाना है. अब यहाँ पे हमें कुछ नेम्स दिए गए हैं, हमने उसको उनके सुबों के साथ मैच करना है. सिटी नेम है उनको हम उनके सुबों के साथ मैच करेंगे. सबसे पहले लाहौर है. लाहौर किस सूबे का शहर है? खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब या फिर सिंध? तो लाहौर किसका शहर है, किस सूबे का? पंजाब का. नेक्स्ट है कराची. कराची किस सूबे का शहर है? खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या सिंध? जी हाँ, सिंध. कराची जो है वो सिंध का जो है वो शहर है. नेक्स्ट है कोयटा. कोयटा पे हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलोचिस्तान. तो इसमें हमारे पास क्या है? बलोचिस्तान जो है वो राइट ऑप्शन है. लास्ट है पिशावर. अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है खैबर पख्तूनख्वा. तो पिशावर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का शहर है. जी तो बच्चों, आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं. अब आप क्या करें, इसको एक दफा दोबारा से रीडिंग करें और इसको अच्छे से समझें. कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जो घर में बड़े हैं उनसे अच्छे से डिस्कस करें. नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी होमवर्क एक्टिविटी है. इसमें आपने क्या करना है? सॉल्व योर कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन योर कॉपी. आपने अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज जो भी मैंने आपको करवाई है उसको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे और उसको चेक करवाना है अपनी टीचर को. सबमिट योर सोशल स्टडी कॉपी ऑन ट्यूजडे 8 to 12. आपकी जो टाइमिंग है वो क्या है? 8 to 12 है. ट्यूजडे वाले दिन आपने आकर इसको चेक करवाना है. नेक्स्ट आपको असेसमेंट दी गई है. उसमें क्या करेंगे? आप अपनी कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे और उसको ट्यूजडे को आकर अपनी टीचर